नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि BSNL कंपनी का जो 25th एनिवर्सरी है वो 1 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और BSNL कंपनी की तरफ से इस दिन काफ़ी ज़बरदस्त कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। BSNL भारत के अंदर 2000 साल से अपने से जो सर्विसेज वो यहाँ पर प्रोवाइड करा, अपने मोबाइल सर्विसेज को प्रोवाइड करा। हालांकि 2007 साल के अंदर BSNL कंपनी अपने ब्रॉडबैंड सर्विसेज को लेकर आया, उससे पहले ही BSNL कंपनी अपने लैंडलाइन सर्विसेज को भी यहाँ पर प्रोवाइड करने लगे। लेकिन 2024 साल BSNL कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इसी साल के अंदर BSNL अपने 4G और 5G सर्विसेज का जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर कर रहा है, और भारत के अंदर ऑलरेडी 35,000 4G मोबाइल टावर को इंस्टॉल भी किया जा चुका है। लेकिन BSNL का ये जो 4G लॉन्च है, इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका ले रहा है, वो है USOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। और इसके चलते 1 अक्टूबर 2024 को BSNL कंपनी की तरफ से कार्बन कैक एक मोबाइल कंपनी है जिनके साथ पार्टनरशिप करके एक MOU को साइन यहाँ पर किया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफी पसंद आने वाला है। दोस्तों, भारत के अंदर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अभी तक अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च नहीं कर पाया, जहां पर भारत के हर एक टेलीकॉम कंपनी भारत के अंदर अपने 4G सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे एक टाइम के अंदर BSNL ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जल्दी भारत के अंदर अपने 4G सर्विसेज को लॉन्च किया जाए। हालांकि BSNL जो 4G सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, वो कंप्लीटली इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इक्विपमेंट है वो भारत के अंदर बना हुआ है, जिस कारण से BSNL का जो 4G लॉन्च है उसे होने में थोड़ा टाइम यहाँ पर लग रहा है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, काफ़ी जल्दी BSNL अपने 1,00,000 4G मोबाइल टावर्स पूरे भारत के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। और सबसे बड़ा जो भूमिका यहाँ पर पालन करते हैं वो है USOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। हर एक टेलीकॉम कंपनी का अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये USOF के फंड के ऊपर जमा करवाना होता है, और गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव इसी कारण से लिया गया क्योंकि देखिए, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी उसी जगह के अंदर अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं जहां पर उन्हें प्रॉफिट दिखते हैं। लेकिन भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे जगह है जो एकदम रूरल एरिया है, जहां पर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाए, तो गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि जो टेलीकॉम कंपनी है वो कुछ पैसे जो है वो USOF के फंड पर डाले, ताकि गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल करके जहाँ पर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाए वहाँ पर भी कनेक्टिविटी पहुँचा जाए। लेकिन जो 1 अक्टूबर है, उस दिन के अंदर BSNL का 25th एनिवर्सरी था, और कार्बन, आपको पता है बहुत दिन पहले कार्बन का जो मोबाइल फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और रिसेंटली कार्बन जो कंपनी है वो भारत के अंदर वैक कर रहे हैं। तो कार्बन का जो 4G कनेक्टिविटी है उसके साथ BSNL का यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए एक MOU के यहाँ पर साइन किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर साइन किया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये साइन करने के बाद BSNL ये चाहते हैं कि कस्टमर, भारत के अंदर जो भी यूजर्स मेरे BSNL के सिम कार्ड को यूज़ करेंगे, उन्हें कम खर्चों के अंदर 4G डिवाइस मिले और बेटर सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, जिस कारण से ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर साइन किया गया है। उसी के साथ ये पर्टिकुलर MOU के साथ BSNL ये कोशिश कर रहा है कि जो USOF प्रोजेक्ट है उसके तहत BSNL लक्षद्वीप के अंदर अपने 4G और 5G कनेक्टिविटी को पहुंचा पाए। देखिए, इससे पहले एयरटेल जो कंपनी है वो ऑलरेडी लक्षद्वीप के अंदर अपने 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। लक्षद्वीप आपको पता है एक आइलैंड है जहां पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो उस जगह के अंदर ऑलरेडी एयरटेल अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर चुका है। और इस जगह के अंदर BSNL किस तरीके से पीछे रह सकते हैं, तो ये जो MOU है वो USOF के साथ साइन हुआ है, जिसके साथ मेनली लक्षद्वीप के अंदर BSNL काफ़ी जल्दी अपने USOF प्रोजेक्ट के तहत, मतलब जो 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के तहत मेनली BSNL कंपनी अपने 4G और 5G सर्विसेज को लॉन्च करेंगे। मतलब अगर आप लक्षद्वीप घूमने के लिए भी जाते हैं तो उस जगह के अंदर आपको BSNL का जो 4G कनेक्टिविटी है वो भी देखने के लिए मिलेगा, और इसका काम जो है काफ़ी जल्दी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। मैंने पूरा डिटेल्स आपको समझा दिया क्या है ये चीज़, किस तरीके का अपडेट जो वो BSNL कंपनी के पास से निकल गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे उससे मुलाकात होगा ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।